हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता शहर को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपनी सिटी का नाम हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं कोलकाता शहर के एक अमेजिंग वर्चुअल टूर पर। हुगली नदी के किनारे बसा कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी और राज्य का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ देश के सबसे बड़े शहरों में से एक है। कोलकाता शहर को पूर्वी भारत का फाइनेंशियल, कमर्शियल और बिजनेस हब माना जाता है, जहां स्टील, हैवी इंजीनियरिंग, माइनिंग, मिनरल्स, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT शहर की इकोनॉमी के मेजर सेक्टर्स हैं, जिस वजह से शहर की GDP देश के टॉप 5 शहरों में शामिल है। वैसे क्या आप जानते हैं कि 2001 से पहले कोलकाता का नाम कलकत्ता हुआ करता था, और ये शहर ब्रिटिश रूल के टाइम अपने रिवर पोर्ट के चलते काफी इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से 1911 तक ये भारत की राजधानी भी हुआ करता था। तो चलिए जानते हैं इस शहर से जुड़ी और कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज में से एक रविंद्र सेतु की, जो कि हावड़ा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बिना किसी नट बोल्ट के बनाया गया था। ये ब्रिज कोलकाता और हावड़ा सिटी को कनेक्ट करता है। साथ ही विक्टोरिया मेमोरियल शहर के बीचों बीच सफेद संगमरमर का एक बेहतरीन मॉन्यूमेंट है, जिसे भारत में क्वीन विक्टोरिया के 25 साल के शासन के उपलक्ष्य में बनाया गया था। वैसे अपनी रिच हिस्ट्री, म्यूजिक, आर्ट और फिल्मों की वजह से कोलकाता को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसलिए इस शहर के हर कोने में आपको कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिलता है। कोलकाता में 100 साल से भी पुराना एशिया का एकमात्र इलेक्ट्रिक ट्राम सिस्टम आज भी ट्रांसपोर्ट का एक पॉपुलर तरीका है। वहीं कोलकाता बुक लवर्स के लिए एक पैराडाइज है, जहां कॉलेज स्ट्रीट देश की लार्जेस्ट सेकेंड हैंड बुक मार्केट है। इसके अलावा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी यहां मौजूद है, और एशिया का सबसे बड़ा बुक फेयर इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर भी इसी शहर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहीं सिटी ऑफ जॉय में एंजॉय करने के लिए कोलकाता के फेमस बाजारों में आप हर तरह के प्रोडक्ट्स को शामिल कर सकते हैं। वैसे ये शहर यहाँ की फेमस स्वीट्स रसगुल्ला, सोनदेश और मिष्टी दोही के लिए पूरे देश में विख्यात है। इसके अलावा डिलीशियस स्ट्रीट फूड भी इस शहर की पहचान है। साथ ही कोलकाता में इंडियन म्यूजियम, साइंस सिटी, बिरला प्लेनेटेरियम, अलीपुर जू, कालीघाट मंदिर और सेंट पॉल्स कैथेड्रल के अलावा घूमने के लिए कई और अमेजिंग लैंडमार्क अवेलेबल हैं। वैसे इस शहर में सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे आकर्षक और बड़ा त्योहार है। नवरात्रि उत्सव के दौरान पूरा शहर पंडालों से रोशन हो जाता है, और दुर्गा पूजा के समय इस शहर का नजारा देखने लायक होता है। वहीं बात करें स्पोर्ट्स की, तो यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा पैशन है फुटबॉल, और ये शहर देश के सबसे मशहूर खेल क्रिकेट का भी दीवाना है, जहाँ ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता वासी इंटरनेशनल मैच के साथ साथ IPL में अपनी होम टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को दिल खोल कर सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कोलकाता में पोलो और गोल्फ जैसे गेम भी खेले जाते हैं। अब बात करते हैं कोलकाता शहर की डेमोग्राफी के बारे में, तो कोलकाता सिटी का मेगा सिटी एरिया लगभग 206 स्क्वायर किलोमीटर और मेट्रोपॉलिटन एरिया लगभग 1880 स्क्वायर किलोमीटर है, जहां करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं और बंगाली कोलकाता में बोले जाने वाली मेजर और ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आप भी इस शहर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए सबसे बेहतर समय अक्टूबर से मार्च माना जाता है, और आप यहाँ बाय रोड, ट्रेन या बाय एयर बड़े आराम से आ सकते हैं। वहीं इस शहर में घूमने के लिए मेट्रो, बस, टैक्सी, रिक्शा, ट्राम जैसी पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो ये थी कुछ हाइलाइट्स कोलकाता शहर के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।